नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे निफ्टी ने जो आज की ओपनिंग की है 15,064 पे, हमने आज का हाई लगाया है 15,160 का। हमने आज का जो लो लगाया है वो लगाया है 15,041 का। हमारी क्लोजिंग आके हो गई है 15,115 पे, और जो हमारा टारगेट था, जो कि मैंने आप लोग को 14,700 के आसपास बताया था कि हमारा टारगेट 15,000 और 15,200 है, तो लगभग हम उस टारगेट को यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। तो अब इसका स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके लगा लीजिए 1550 का, और 1550-1555 का स्टॉप लॉस लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है तो यहाँ पे एक बार थोड़े बहुत प्रॉफिट बुक करके भी यहाँ से निकल सकते हैं। दोस्तों देखिए, निफ्टी ने आज की क्लोजिंग, देखिए मैंने कल बताया था कि यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी हुई है, लेकिन ये बेरिश कैंडल एक्टिव तब होगी जब हम इसके नीचे क्लोज करेंगे। हमने इसके नीचे क्लोज ना करके हम इसके ऊपर यहाँ पे निकल गए, तो ध्यान रखिएगा अगर कल के सेशन में भी अगर हम इसके नीचे क्लोज करते हैं यानी 14,875 के नीचे, तभी वीक होंगे। अगर यहाँ पे 2-3 दिन सस्टेन होने के बाद हम इसके नीचे क्लोज करते हैं तब इस कैंडल की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस ये कैंडल तब तक एक्टिव होगी अगर कल के सेशन में भी हम इसके नीचे क्लोज करते हैं। तो अगर क्लोज नहीं करेंगे तो वापस हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या रेंज बन रही है ऊपर की साइड में, जो भी बेरिश कैंडल बनेगी फिर हम वहां से डिसाइड करेंगे। जो निफ्टी का रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 15,221 का, यहां पे रेजिस्टेंस है, तो उस रेजिस्टेंस को जरा ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे देखिए, कॉपी मत कीजिए किसी भी चीज को, आप समझिए, चार्ट देखिए, चार्ट को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखनी स्टार्ट होगी। बहुत ही जल्दी हमारा जो एक सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग की एक सीरीज हमारे लर्निंग वाले चैनल पर लेके आऊंगा, बस 8 से 10 दिन आप लोग रुक जाइए। एक सीरीज मैं लेके आ रहा हूँ जहां से A to Z आप बिल्कुल बिगनर हैं तो भी आप उसको देख सकते हैं, आप प्रोफेशनल हैं तो भी वहां से देखिएगा, बहुत सारी हेल्प आप लोग को मिलेगी, आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है वो बहुत सारी इंप्रूवमेंट वहां से हो जाएगी अगर आप उस चीजों को कंटिन्यू फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, मैं एक रियल ट्रेडर हूं तो रियल चीजें वहां पे आप लोग को बताऊंगा। वो सीरीज जल्दी मेरे ख्याल से 8 से 10 दिन से उसकी वीडियो अपलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी हमारे लर्निंग वाले चैनल पे। अगर आपने अभी तक हमारा लर्निंग वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, या सर्च कीजिए लर्न टेक्निकल एनालिसिस बाय घनश्याम टेक, उसको भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। अब चलिए देखते हैं कि कल के सेशन में हमें निफ्टी किस तरह से ट्रेड करना है। तो यहां पे 15 मिनट के चार्ट को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे निफ्टी देखिए बिल्कुल शुरुआती सेशन देख लीजिए, यहाँ पे धीरे ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, यानी बाई ऑन डिप। जैसे कि मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि आप एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कीजिए, अगर आप ट्रेंड लाइन अच्छी तरह से ड्रॉ करना सीख गए तो समझ लीजिए मार्केट आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से देता जरूर रहेगा। यहाँ पे देखिए, अब जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं जाएंगे तब तक वीक नहीं होंगे इंट्राडे में। तो इंट्राडे में वीकनेस कब आएगी, जब हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाएंगे यानी 15,080 के नीचे ट्रेड करेंगे, तब थोड़ा सा हम यहाँ पे वीक होंगे और हमारा पहला टारगेट होगा वो 15,040, और उसके बाद 15,000 के टारगेट के लिए हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन कब, जब हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे आते हैं ऊपर ओपन होने के बाद, ध्यान रखिएगा ऊपर ओपन होने के बाद आएंगे तब। अब ये ध्यान रखिए, बाइंग साइड में थोड़ा सा यहां पे मुश्किल होगा क्योंकि बाइंग साइड में जो चैनल बन रहा है उस चैनल को ध्यान से देखिए, 15 मिनट के चैनल को। तो बाइंग साइड पे अगर इस लेवल के आसपास मान लीजिए आके हम कंसोलिडेट करते हैं तब तो आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा 15,200 के आसपास में बाइंग का सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि 15,222 मेरा रेजिस्टेंस एरिया है। तो अगर हम रेजिस्टेंस एरिए के पास पहुंचते हैं तो जो भी हमने नीचे बाइंग किया वहां पे प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेंगे। इंट्राडे आपको नहीं, आपको बाइंग ही करना है, तो एक बार एक रिस्क आप ले सकते हैं। 15,140 के ऊपर हम निकलेंगे तब हमारा टारगेट होगा 15,180 और फिर 15,220 का, यानी ऊपर की साइड में ध्यान दीजिए। अब मैं लिख देता हूं यहां पे जिससे आपको समझ में आएगा, ऊपर की साइड में आप एक रिस्क ले सकते हैं 15,140 के ऊपर हम निकलेंगे तब पहला टारगेट होगा 15,180 का और दूसरा टारगेट हमारा होगा 15,220 का। नीचे की साइड में हम सेल कब करेंगे, जब हम 15,080 के नीचे ट्रेड करते हैं तो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 15,040 का और सेकंड टारगेट मेरा होगा वो होगा 15,000। तो 15,000 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए हम गैप डाउन ही ओपन हो जाते हैं 15,040 और 15,000 के बीच में, तो वहां पे सेल नहीं करना है, वहां पे वेट करना है, कंसोलिडेट होने देना है, उसके बाद हम देखेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि बाइंग साइड में मूवमेंट आपको क्लियर नहीं मिलेगी, धीरे धीरे करके हम ऊपर जाएंगे, लेकिन अगर सेल साइड में कहीं एक्टिव होंगे तो एक आध डिप आपको बहुत फास्ट मिलेगी, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा अप साइड में बाइंग करने के लिए, अलर्ट रहिए थोड़ा सा डाउन साइड में, आपको मूवमेंट हमेशा फास्ट मिलेगी। कम से कम इस चार्ट पैटर्न को देख के मुझे यही लग रहा कि डाउन साइड में मूवमेंट हमें फास्ट यहां पे देखने को मिलेगी। अब चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर और नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं।
पहला स्टॉक से हमारा अदानी पोर्ट, जैसा कि मैंने बताया अदानी पोर्ट देखिए इसी फ्लो में तो मैं बाइंग नहीं करूंगा, वेट करूंगा, जिसके पास पोजीशन है वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एशियन पेंट हम तब तक बाइंग नहीं करेंगे जब तक हम 2550 के ऊपर नहीं निकल जाते हैं। बजाज ऑटो कंसोलिडेट कर रहा है, अभी भी वो कंसोलिडेट लेवल के पास में ही हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा एक इंट्राडे में मूवमेंट आप ले सकते हैं। जब हम 4270 के ऊपर ट्रेड करेंगे तब 4270 के ऊपर अगर निकलते हैं नीचे ओपन होने के बाद में तो एक मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बजाज फिंसर देखिए आज 10,000 के ऊपर पहुँच गया, मेरा भी अभी यहाँ पे कुछ नहीं है बजाज फिंसर में। बजाज फाइनेंस ऑलरेडी जिसके पास पोजीशन है वो बने रहिएगा, स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे आपको 5400 का आप लगाना पड़ेगा। भारतीय एयरटेल इंतजार कीजिए, 610 के ऊपर क्लोज करे तो जरूर लेके जाइएगा। BPCL प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ब्रिटानिया कुछ मत कीजिए, सिप्ला में भी मेरा अभी कोई व्यू नहीं है। कोल इंडिया में भी प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए। ध्यान रखिएगा कोल इंडिया आपको 120 125 30 के बीच में मिले तो यहाँ पे बाइंग करना है, 140 45 के पास जब भी दिखे आपको यहाँ पे सेल कर देना है। डिविस लैब यहाँ पे कुछ मत कीजिए, अभी वेट कीजिए, अब इसको कंसोलिडेट करने दीजिए। कंसोलिडेट के बाद में अगर ये 3900 के लेवल को निकालता है तो भी टारगेट इसके 4200 के आएंगे। डॉक्टर रेड्डी, वेट एंड वॉच, आइसर मोटर के सेशन में, कल के सेशन में एक मूवमेंट मुझे दिख रही है। अगर हम कल के सेशन में यहाँ पे इस हाई को निकालते हैं तब 2990 का हाई है, लेकिन 3000 के रेजिस्टेंस के आसपास है, तो अभी नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए इसको, कल के सेशन में नहीं परसों के सेशन में देखेंगे हम। गेल में कुछ नहीं करना है, ग्रासिम कंटिन्यू ऊपर की साइड में ही चल रहा, जैसा कि मैंने बोला था कि स्टॉप लॉस जरूर 1170 के आसपास का आप लगा लीजिए अब, अगर किसी के पास पोजीशन है। और कल के सेशन में एक बेहतरीन मूवमेंट वापस ग्रासिम दिखा सकता है अगर आज के हाई को क्रॉस करता है तो। दोस्तों अगर आप भी फ्री स्टॉक्स मार्केट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए जाके अगर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं और अकाउंट ओपन होने के बाद एक्टिव होकर वहाँ पर ट्रेड करते हैं तो आप हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, और आप हमारे जो लाइफ टाइम हमारा प्रीमियम ग्रुप है उसमें भी ऐड कर दिए जाएंगे। अकाउंट ओपन होने के बाद उसमें आप फंड ट्रांसफर कर लीजिए, और फंड ट्रांसफर करने के बाद अपना लॉगिंग आईडी और फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज दीजिए, व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। SCL टेक यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच यहाँ पर भी है। HDFC 2800 के ऊपर अब क्लोज करेगा तभी इसको लेके जाना है, या एक रिस्की ट्रेडर अगर आप हैं तो 2780 के ऊपर क्लोज करें तो भी आप लेके जा सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको 2720 का लगाना पड़ेगा। HDFC लाइफ 650-660 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वेट करना है। हीरो मोटोकॉर्प को लेके तब जाइए जब ये 3500 के ऊपर 3510 के ऊपर क्लोज करे तो इसे लेके जाइएगा 3600 और 3700 के टारगेट के लिए। हिंडालको बेहतरीन मूवमेंट हिंडालको में हुई है लेकिन मेरा व्यू कुछ नहीं था तो वेट करेंगे। हिंदुस्तान यूनिलीवर कुछ नहीं करना है, इन्फी में भी मेरे ख्याल से अभी कुछ मत कीजिए। IOC जिसके पास पोजीशन है स्टॉप लॉस जरूर यहाँ पे 99 का आप लगा के बैठे रहिए। यहाँ पे ITC कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करवा दिया है। JSW स्टील कल के सेशन में इसमें एक मूवमेंट मुझे दिख रही है, यहाँ पे क्लियर कट ब्रेकआउट हुआ है तो इसको हम ले सकते हैं, आज के हाई के ऊपर निकलता है कल के सेशन में तब। L&T पे भी नज़र बना के रखिए, अब किसी के पास पोजीशन है शॉर्ट टर्म की तो स्टॉप लॉस 1490 का लगा लीजिएगा, शायद टारगेट ये धीरे धीरे करके वापस 1600 के लेवल दिखा सकता है, लेकिन बेस्ट मूवमेंट अब 1600 के बाद ही यहाँ पे होगी। M&M जबरदस्त मूवमेंट हो गई है यहाँ पे, आज कुछ नहीं मत कीजिए। मारुति 7800 के ऊपर ही लेना है। नेस्ले में कुछ मत कीजिए। NTPC स्टॉप लॉस जरूर 96 का फॉलो कीजिए। NTPC में, ONGC में भी स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। पावर ग्रिड जैसा कि मैंने बोला था 210 के ऊपर लेके जाइए, 210 के ऊपर यहाँ पे एक मूवमेंट जो 217-220 तक की मूवमेंट यहाँ पे दिख सकती है पावर ग्रिड में। रिलायंस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, मैंने बोला था कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक मूवमेंट होगी तो आप किसी ने लिया होगा तो स्टॉप लॉस जरूर 1930 का यहाँ पे फॉलो कीजिए। SBI लाइफ नज़र बना के रखिए, 850 का सपोर्ट अगर ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में एक मूवमेंट दिखेगी। श्री सीमेंट काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पे हो रही है श्री सीमेंट, लेकिन स्टॉक बहुत महंगा है तो छोड़ दीजिए इसको। सन फार्मा 650 के ऊपर इसको भी आप देख सकते हैं। टाटा मोटर वापस यहाँ पे निकल चुका है तो आज के हाई के ऊपर कल निकलता है तो फिर से इसको बाइंग कीजिए, कल के सेशन में आपको 2-3% की मूवमेंट मिल जाएगी। टाटा स्टील यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं। TCS में कुछ मत कीजिए, वेट कीजिए। टेक महिंद्रा में भी हम इंतजार करेंगे जब तक ये 1005 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं करता है, 1005 के ऊपर क्लोज करेगा तब मैं इसको लेके जाऊंगा। टाइटन 1550 के ऊपर क्लोज करेगा तब लेके जाइए। अल्ट्राटेक सीमेंट में कुछ नहीं करना है अभी। UPL वेट एंड वॉच करना है। विप्रो में कुछ नहीं करना है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है, या जाके आप सर्च कर सकते हैं घनश्याम टेक एनालिसिस। लगभग 85,000 से ज़्यादा मेंबर वहाँ पे जुड़े हुए हैं तो आप भी वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। जील यहाँ पे कुछ मत कीजिए। जील अगर ब्रेक करेगा 210 के नीचे तो सेल तो मत कीजिए, क्योंकि एक बड़ी कैंडल ऑलरेडी बन चुकी है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, कम से कम 2 दिन कंसोलिडेट करने के बाद अगर 205 के लेवल को ब्रेक करेगा तब यहाँ पे इंट्राडे में हम शॉर्ट करने की सोचेंगे। फिलहाल अभी कुछ नहीं करेंगे, वेट एंड वॉच रखेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।